आपस में लड़ाई का गठबंधन, हाय ये कैसा बंधन। नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को केरल में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बांधने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में गठबंधन से जुड़े दल ने ही चुनौती खड़ी कर दी है। इंडिया अलायंस की घटक दल CPIM ने राज्य की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें राहुल गांधी की वायनाड और पार्टी नेता शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट शामिल है। CPM केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी घोषित किया है। हालांकि 2019 में राहुल गांधी वायनाड से जीते थे, लेकिन उम्मीदवार उतारने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी वायनाड से नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पनियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम से ही चुनाव लड़ेंगे और यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अभी सांसद हैं। ऐसे में अब दोनों नेताओं के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। दोनों दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग होगी। राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रत्याशी मैदान में होंगी उनका क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। 2019 also CPI contested against Rahul Gandhi because as I told you that seat we are it is allocated for CPI in the LDF seat adjustment and arrangement and so we are contesting from that seat for a long time since long time and last time also we contested this time also we are contesting. तो बिल्कुल, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे बात भारत की में कि आखिर क्या राहुल गांधी को बहुत बड़े झटके के रूप में ये सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ही इंडिया गठबंधन में दूसरे दल ने जो है वो मैदान में प्रत्याशी उतारा है राहुल गांधी के खिलाफ, और दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन में भी मिले हुए हैं। तो क्या वहाँ पर सीट शेयरिंग पे कोई बात बन सकती है, कोई बात बिगड़ सकती है, क्या वहाँ पर कांग्रेस को सीट नहीं मिल सकती है, क्या इस तरह की प्लानिंग वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों ने की है। इसके साथ साथ शशि थरूर के खिलाफ भी वहाँ पर मैदान में एक उम्मीदवार उतार दिया है, तो ऐसे में अब संभावना ये है कि क्या वहाँ पर कांग्रेस को इन 4 सीटों में से कोई सीट जो है वो सीट शेयरिंग में नहीं मिलेगी, या क्या किस तरह का प्लान है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी अब थोड़ा सा असमंजस में है कि आखिर यहाँ से क्या किया जाए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने वहाँ से चुनाव जीते थे। अब सीधे हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उसके बाद कुंवर सिंह निषाद जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद जी हैं, सबसे पहले उनके पास जाना चाहूंगा। कुंवर सिंह जी, राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आप पार्टियों को, दलों को इंडिया गठबंधन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस सबसे अहम योगदान निभा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है जो CPIM ने ये कैंडिडेट उतारा है राहुल गांधी के खिलाफ। अभी चुनाव हुआ नहीं है और अभी सारी चीजें शुरुआती दौर में है और सभी जितने गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं उन सभी के साथ वार्ता भी लगातार चल रही है। तो निश्चित रूप से आप ये शीतल जी मानिए कि कोई उचित इसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन वास्तव में जो झटके लग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लग रहे हैं, मोदी जी को झटके लग रहे हैं। एक तरफ से किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ से युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, एक तरफ से मराठा आरक्षण की मांग उठ रही है और इस देश की आम जनता रोटी कपड़ा मकान की मांग कर रही है। तो वास्तव में झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बना रही है कि देखो भाई कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो पा रहे हैं और इस तरह के गठबंधन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, बीजेपी को लेकर मैंने कोई सवाल ही नहीं पूछा, ये बात आपके घर की है यानी इंडिया गठबंधन की है, सवाल उसको लेकर है कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो ही कांग्रेस के खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, इससे क्या समझा जा सकता है?
नहीं बीजेपी पर बाद में आएंगे ना। अभी अभी शुरुआती दौर में है सारी चीजें, और अभी निश्चित रूप से आप मानिए कि सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट यह सभी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के साथ एकमत है, एक मुद्दे पर है, और कोई इसका उचित समाधान निश्चित रूप से निकाला जाएगा। ठीक है, और हम सब मिलकर साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार के झूठे वादे रहे, इनकी जो जन विरोधी नीतियां रही, हम सबके खिलाफ 15 लाख रुपए, 100 दिन में कालाधन, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, इन जो मुद्दों पर हम एकमत हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन मुद्दों पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक है ठीक है। आलोक वत्सी, आपका रुख करना चाहूंगा। आलोक जी, जरा बताइए, कांग्रेस को वाकई में एक बड़ा झटका है ये, खासकर केरल में जो सीपीआईएम द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। क्या अभी राहुल गांधी के लिए चुनौती है, या फिर राहुल का जो कद है पार्टी के अंदर, क्या उसमें कोई संशय है इन जो बाकी गठबंधन के जो दल हैं, क्या ऐसी कोई स्थिति अभी पैदा हो रही है? देखिए शीतल जी, जब से ये इंडिया इंडी गठबंधन बना है, तब से इसमें लगातार बिखराव ही आता चला जा रहा है। जो इसके निर्माता थे, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो पल्ला झाड़ के चले गए। उसके बाद लिमिटेड सीटों पर इनकी आपसे सहमति हुई है, पंजाब में और अन्य राज्यों में ये फिर आमने सामने होंगे। वही हाल ममता बनर्जी जी का है, ठीक है उन्होंने साफ पल्ला झाड़ दिया है ठीक है। कि हम एक भी सीट नहीं देंगे, ये फिर भी कह रहे हैं कि वार्ता चालू है। तो ठीक है। इन सब चीजों से ये ऐसा लगता है कि ये दल बिखराव की ओर है। और अभी जो राज्यसभा में जो भी वोटिंग हुई है, वो थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि ठीक है, समाजवादी पार्टी और ठीक है कांग्रेस में भी टूट फूट हुई है, ठीक है। उनके लोगों आलोक ने जी, भी वापस बीजेपी के लौटूंगा आपके कैंडिडेट पास। को वोट किया है। डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर अजय जी, जरा बताइएगा क्या स्थिति है, क्या राहुल गांधी को जो इंडिया का अभी नेतृत्व एक किस्म का कर रहे हैं या पहल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की, क्या इसके पीछे कोई एक फैक्ट देखा जा सकता है? क्या यही वजह है, या क्या मानसिकता हो सकती है इन दलों के अंदर केरल में, कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है? क्या सीट शेयरिंग में कोई बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है? शीतल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन अभी जो समस्या है वो वाकई इंडिया गठबंधन के लिए डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ये ठीक बात है ठीक है। कि इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, और बहुत से लोग परेशान हैं। वो एक अलग मुद्दा है, जिस मुद्दे के विपक्षी को आगे आकर के बढ़ चढ़ करके सरकार के साथ बात करके या जनांदोलन करके जनता को जताना चाहिए, जनता के दिलों को जीतना चाहिए। लेकिन इंडिया का गठबंधन का जो ये सिस्टम है, जो सीपीआई ने आज करके दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को झटका देने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सफल हो रही है। ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार चले थे, नीतीश कुमार उधर चले गए। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं अपनी न्याय यात्रा को लेकर के, जनता के बीच जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच जाना उनका एक अपना अपना तरीका है। ठीक है। लेकिन आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन को छोड़ छोड़ करके जाने वाले लोगों ने एक दूसरे को, आप देखिए, जो छोटे जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी हैं, सारे अपने आप को कांग्रेस से अब मजबूत समझने लगे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें कमजोर होगी और क्षेत्रीय पार्टियां इसमें आगे होंगी। ठीक है। कांग्रेस को अपने वजूद को बचाने के लिए इस गठबंधन को सही ढंग से सजोने की जरूरत है। और बिल्कुल। अब क्या सजोएंगे, आप देखिए, अब तो समय रही नहीं गया। मेरे ख्याल से
आचार संहिता मार्च 12 तारीख तक लग जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, मई में रिजल्ट आ जाएगा। अब तो टाइम बचा ही नहीं है, बिल्कुल समय कम है। बिल्कुल अजय जी, लौटूंगा आपके पास। कुंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजय जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को संजोने की जरूरत है और कांग्रेस को, खास तौर पर सबसे पहले कांग्रेस को जो है वो मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस में क्या कमी है, क्या नेतृत्व की कमी है? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां पर भी प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा सपा को अपने साथ लेने में। क्या राहुल गांधी की अहमियत पार्टी के अंदर कम हो रही है, ये हम एक वजह मान सकते हैं? या जो अलग अलग जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं? कि मैं आदरणीय डॉक्टर साहब की बात का पूरा आदर करता हूं, उन्होंने बड़ी सी बात कही। वास्तव में संजोने की जरूरत है और इस काम को कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत बखूबी इस काम को कर भी रहा है। हमने आम आदमी पार्टी के साथ हमारी चर्चा थी, पब्लिक डोमेन में ये प्रचार किया गया कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा सामंजस्य नहीं बैठेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ हमारा एक, हमने कुशल समाधान उसमें निकाला। हमारी यह चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से हमारी तालमेल नहीं बैठ रही है, सपा के साथ हमारा अलायंस नहीं होगा, लेकिन बिना किसी विवाद के हमने समाजवादी पार्टी से एक अच्छा अलायंस उत्तर प्रदेश में किया। हम लेफ्ट के साथ दक्षिण भारत में और ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में भी एक अच्छा अलायंस करने जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी इसका परिणाम अभी आ जाएगा। और रही बात शीर्ष नेतृत्व की, तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे उनका कद लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है। पिछले जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, यह कहना कि भाई हम भले ही उनमें पूरी तरह से राज्यों में सरकार न बना सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले, पिछले बार की तुलना में भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। और जनता के जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे जो कि उन्होंने पिछले 10 साल में लगातार किए, उन सब चीजों पर भी उस भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। वक्त एक मेरे पास छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे साथ आलोक जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात भारत की में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर से चर्चा शुरू करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दूसरे मेहमान हैं कुंवर सिंह निषाद जी, और तीसरे हमारे मेहमान डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, आपके पास लौटूंगा, क्योंकि पहले कुंवर सिंह जी बता रहे थे और ये कह रहे थे कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन एक साथ है, एक झोली में है। तो क्या लगता है, वाकई में जो इंडिया गठबंधन है वो एक झोली में बंधा हुआ है, या फिर राहुल गांधी उसको समेटने में सफल नहीं हो पा रहे हैं इसलिए ये कदम उठाया गया है? जी आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अजय तिवारी जी। डॉक्टर अजय जी, आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक बार फिर से, जहाँ पहले कुछ मजबूतियाँ मिली थी, कुछ सफलताएं मिली थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, अब क्या ये जो कदम यहाँ पर उठाया गया है इससे क्या जताता है, क्या लोग क्या समझ सकते हैं राजनीतिक कोण से? देखिये शीतल जी, सबसे बड़ी चीज तो आज ये है कि जनता में युवाओं की संख्या काफी बढ़ी हुई है। 140 करोड़ जनता के बीच में बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज परेशान हैं, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या कर्नाटक से हो, कहीं से, पूरे भारत देश में युवा कहीं ना कहीं परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परेशानी तो है ही कि मुद्दे बहुत हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, मुद्दे तो बहुत हैं, पर कोई भी विपक्ष की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी जो विपक्ष की है, आज तो भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष की कांग्रेस है, वह भी विफल हो रही है। आम जनता के दिलों में वो घुस नहीं पा रही। ठीक है, अब क्या कारण है
क्या कारण है जिसका आज नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो जिस तरह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अलग अलग इलाके में जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह लोग क्यों नहीं अलग अलग यात्राओं में अपने अपने क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, जनता के बीच में इस चीज को उठा रहे हैं। अभी तो सीपीआई ने कैंडिडेट दिया है, सीपीआई हो सकता है सीपीआई का अपना एक दबाव बनाने के लिए भी कैंडिडेट दिया जा सकता है, ठीक है, हो सकता है कांग्रेस इसको फिर से मनाने का प्रयास। हाँ बिल्कुल, मनाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। अजय जी समय थोड़ा कम है इसलिए रोक रहा हूँ आपको। आलोक जी आपके पास आऊंगा, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। आलोक जी जल्दी से देखिए, शीतल जी ऑल इज नॉट वेल विद इन कांग्रेस इंडी गठबंधन, दिन पर दिन ये कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी को भी दिल्ली बैठ के इन सारे लोगों को आपस में एकजुट करके ये सारी सीट शेयरिंग वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। वो कोई न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पर जिस जिस स्टेट जाते हैं वहां का कुछ डाउन हो जाता है उनके जाने से पहले। ठीक है, तो कुल मिला के चीजें बहुत अच्छी नहीं है। उसके मुकाबले हमारी पार्टी भी एकजुटता से लगी हुई है और कार्य किया है, लोगों को रिलीफ देने का काम किया है, ठीक है, विश्व की बड़ी शक्ति में खड़ा किया है हिंदुस्तान को, तो ये सब चीजें जनता देख रही है। एक तरफ एक मजबूत विकल्प है, एक तरफ एक बिखरा हुआ विकल्प है। तो आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि वो बिखरे हुए विकल्प के साथ जाके ठीक है अपने को महसूस करे? ओके, समय समय नहीं है। कुंवर जी आखिरी कमेंट, कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, ये कह रहे हैं आलोक जी, जल्दी से खत्म कर लीजिएगा। देखिए आलोक जी का अपना ऐसा मानना है, हमारा मानना ऐसा है कि हम जनता के बीच में जाकर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां उनको उजागर करने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है, कांग्रेस पार्टी अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रही है। हमेशा जो चुनाव होता है वो तो दिख रहा है, जनता के मुद्दों पर लड़ा जाता है और हम लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं और हम बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि हम आम आदमी के मुद्दों को कैसे और ज्यादा मजबूती दे सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बात भारत की में। तो कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है कि कांग्रेस ऑल इज वेल है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन केरल में जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के सामने या फिर कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, जिन राज्यों में अभी भी इंडिया गठबंधन को समेटना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। आज के लिए बात भारत की में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।